पवन सिंह ऑसम, खेसारी लाल यादव जी। आप दिनेश लाल यादव जी के साथ करीब 30 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, तो आप दोनों की जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद करी जाती है, तो कैसा रिश्ता है आपका दिनेश लाल यादव जी के साथ? पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है? और मैम, पवन सिंह कैसे इंसान है, आपकी एजुकेशन क्या है अगर आप बताना चाहें तो? जी नहीं, एजुकेशन के टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहती। लाइफ में पहला प्यार कब हुआ? तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप किसको अपना आइडल मानते हैं? आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली दुबे जी। चलिए उनसे आज ढेर सारी बातें करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मैम हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बहुत ठीक। तो मैम, ये जो फिल्म शूट हो रही है आज रोजा, क्या कहानी है और इस कहानी से दर्शकों को क्या सीखने को मिलेगा और किस बेस पर बन रही है फिल्म? ये फिल्म इस पर निर्धारित है कि एक औरत को अपने आम जीवन में कितना कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करना पड़ता है जी। अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए जी। और अगर कोई ठान ले जी। तो वो ज़रूर अपना नाम बना लेता है। यही है रोजा की कहानी। तो मैम, आपने टीवी सीरियल जैसे मायका और रहना है तेरी पलकों की छांव में आपने सुमन का मुख्य किरदार किया था, क्योंकि दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था, तो आपने टीवी सीरियल क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं, मैंने छोड़ा, जानबूझ के छोड़ा नहीं था। मुझे उस समय पर निरहुआ हिंदुस्तानी वन मिल गई थी, मेरी पहली पिक्चर जी। और मुझे उसकी कहानी इतनी पसंद आई थी कि मैंने उस समय पे होल्ड कर दिया था सीरियल की शूटिंग और मैं वो फिल्म करने चली गई। एंड आई थिंक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मुझे इतना प्रेम मिला, इतना सम्मान मिला भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतना आदर मिला, आज तक मिल रहा है। आज मुझे 10 साल हो गया यहाँ पर फिल्में करते हुए, तो आई थिंक आई एम रियली लकी कि मुझे वो फिल्म मिली थी और उसके बाद मुझे अपने लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। तो मैम, आप दिनेश लाल यादव जी के साथ करीब 30 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, तो आप दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा पसंद करी जाती है, तो कैसा रिश्ता है आपका दिनेश लाल यादव जी के साथ? बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। एंड आई थिंक दिनेश जी इज माय मोस्ट फेवरेट को एक्टर, मोस्ट अंडरस्टैंडिंग को एक्टर, और मेरी और उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन हमेशा लोगों को बहुत अच्छी लगती है, सो दैट्स द रीजन व्हाई ही इज माय फेवरेट को एक्टर आल्सो। मैम, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों में से आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे पवन जी के गाने पसंद है जी, खेसारी जी की कॉमेडी टाइमिंग पसंद है जी। और मैम, पवन सिंह कैसे इंसान है? मतलब लोग कहते हैं कि पवन सिंह थोड़ा मूडी टाइप्स हैं। नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। पवन जी को जैसा आप लोगों ने देखा है, कई लाइव वीडियोस उनके देखे होंगे, स्टेज शोज के और इंटरव्यूज उनके देखे होंगे, जैसे दिखते हैं वो वैसे ही व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। तो मैम, आपकी एजुकेशन क्या है अगर आप बताना चाहें तो? जी नहीं, एजुकेशन के टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बताना चाहूँगी यार, मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज मुंबई से हुआ है जी। मैं रुस्तम जी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में पढ़ती थी, मैं भवंस कॉलेज मुंबई में पढ़ती थी हाले, और मेरी पूरी पढ़ाई मैंने वहीं पर कम्प्लीट की जी। मैम, आप लाइफ में पहला प्यार कब हुआ? मुझे सबसे पहला प्यार लाइफ में हुआ जी मेरे पैदा होते ही मेरी माँ से, हाँ, और वो आज तक बरकरार है और मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। माँ से तो मैम सभी को होता है, मतलब फिर किसी से स्कूल कॉलेज या कोई? माँ से ही इतना ज्यादा हो गया ना कि और किसी पे अभी ध्यान नहीं जा रहा है जी। मैम, आप अपने आने वाले 5 साल कहाँ देखते हैं खुद को? मैं आने वाले 5 साल के आने वाला पूरा जीवन अपने आप को अच्छी फिल्में करते हुए और लोगों को अच्छी कहानियाँ कहते हुए जी। और जो बात मुझे लगता है कि मुझे आम जनता तक पहुँचानी है वो बातें पहुँचाते हुए अपनी आखिरी सांस तक उनको एंटरटेन करते हुए देख रही हूँ मैं उनका फ्यूचर। मैम, आप इतना अच्छा एक्टिंग करती हैं, लगातार 10 साल से आप कर रही हैं, तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप किसको अपना आइडल मानती हैं? मुझे लगता है हर एक्ट्रेस जो भी फिल्में करती होगी, एक्टिंग करती होगी जी, उसके मन में सिर्फ एक ही आइडल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि होंगी, और वो होंगी स्वर्गीय श्रीदेवी जी, क्योंकि उनकी तरह परफॉर्मर कोई हो ही नहीं सकता। उनका इमोशनल टाइमिंग, उनका कॉमेडी टाइमिंग, उनके हैप्पी सीन्स, उनके सैड सीन्स, आई थिंक
वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थी। और मैं आज भी कोई फिल्म के लिए प्रिपेयर करने जाती हूँ तो पहले उनकी कोई एक फिल्म देखती हूँ इंस्पिरेशन के लिए, उनका कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस देखती हूँ, उसके बाद ही सेट पर जाती हूँ। सो आई लव हर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स। अगर मैम एक वर्ड में एक्टर आप बताना चाहें तो मैं एक्टर का नाम लूँगा और आप एक वर्ड में उन्हें डिफाइन करना चाहें तो जैसे पवन सिंह ऑसम, खेसारी लाल यादव जी ग्रेट, चिंटू पांडे जी लवली, अरविंद केला कल्लू जी क्यूटेस्ट, और अगर हीरोइन में बात करें तो सबसे पहले अमरपाली दुबे जी कैसी हैं? बेस्ट, पिक्चर से हटके नहीं हीरोइन के बारे में बात करें, वन वर्ड में बोलना था ना तो बेस्ट जी हो गया वन वर्ड बेस्ट हूँ मैं। तो मैम ये जो पिक्चर मूवी आ रही है रोजा फिल्म NGFC XL एंटरटेनमेंट से आ रही है, जिसके प्रोड्यूसर हैं अमित सिंह चौहान जी और प्रोजेक्ट हेड हैं विकास पांडे जी, क्या कहिएगा इस कंपनी के बारे में? मैं शुभकामना देती हूँ इस कंपनी को कि ये बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट के साथ अपना प्रोडक्शन हाउस इन्होंने शुरू किया है जी। और उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही हम लोग का यूनियन चलता रहे और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बने। तो दोस्तों आपने दिखाई ये रही